एम्प्टी फॉर्मेलिटी थ्योरी। ये थ्योरी कहता है कि अगर कोई पिनल एक्शन ले लिया जाता है या कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है नेचुरल जस्टिस के वॉयलेशन में, नेचुरल जस्टिस कहने का मतलब है कि पार्टी को हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देना है और उससे पहले अगले को नोटिस भी देना है, ये सब नेचुरल जस्टिस होता है। अगर इसके वॉयलेशन में कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है और कंटेंशन पुट ये किया जाता है कि अगर हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तो डिसीजन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मात्र एक फॉर्मेलिटी होगा, इसी को एम्प्टी फॉर्मेलिटी थ्योरी कहा जाता है। हम लोग दो केस लॉस देखेंगे और इस केस लॉस में आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से ये थ्योरी है क्या। पहला केस लॉ हम लोग देखेंगे 1970 का, केस का नाम है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन वर्सेस चित्रा श्रीवास्तव, यूपी का केस है। इसमें क्या होता है कि जो पेटिशनर होता है या होती है जो कोई भी है, पेटिशनर का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है, अटेंडेंस का शॉर्टेज होता है तो उसे उसे एग्जामिनेशन देने का अलाउंस नहीं मिलता है, कैंसिल हो जाता है। तो और बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी हियरिंग के ही कैंसिल हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आपको नोटिस देना अनिवार्य है, आपको नोटिस देना ही चाहिए, भले ही डिसीजन पे कोई फर्क ना पड़े लेकिन फिर भी आपको नोटिस देना है। ये तो था 1970 का केस है। आइए अब रिसेंट क्या ट्रेंड चल रहा है वो देखते हैं। वो 2000 का केस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस मंसूर अली खान। इस केस में एक पर्सन होता है एम, वो 5 साल तक बिना किसी नोटिस के, बिना किसी को इन्फॉर्म किए यूनिवर्सिटी से एबसेंट हो जाता है। वो एक एम्प्लॉय रहता है, तो क्या करते हैं यूनिवर्सिटी जो होता है वो उसे डिसमिस कर देता है एक रूल के तहत में। रूल क्या होता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है, कोई भी जो वहाँ पे सर्विस कर रहा है, वो अगर 5 साल तक बिना इन्फॉर्म किए, बिना किसी वजह के एबसेंट हो जाता है तो उसका सर्विस टर्मिनेट हो जाता है और उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। और कंटेंशन ही लोग ये करते हैं कि अगर हम लोग हियरिंग का मौका भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही है, तो रूल ही है कि अगर 5 साल के लिए आप नहीं आते हो तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो टर्मिनेट कर भी दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहेल्ड किया। तो आप आई होप कि एम्प्टी फॉर्मेलिटी थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।